Hi everyone, let's start with today's class. In this class, I'm going to discuss with you judicial appointments in India. ठीक है, इन इंडिया जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं. सो हम बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं. हाउ आर जजेस अपॉइंटेड इन हायर जुडिशरी, से हाई कोर्ट, से सुप्रीम कोर्ट, कैसे वहाँ पर जजेस अपॉइंट किए जाते हैं. व्हाट इज थ्री जजेस केस, कैसे इवॉल्व हुआ ये जो करंट सिस्टम है, कॉलिजियम सिस्टम जिसको हम करंट सिस्टम भी है मतलब बोलते हैं, कॉलिजियम सिस्टम जो आजकल चलता है, करंट सिस्टम जो है ये कैसे इवॉल्व हुआ है, थ्री जजेस केस से हुआ है, गवर्नमेंट का रोल क्या है. भाई NJAC तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन तो स्ट्रक डाउन कर दी गई थी 2015 में, तो ये अब क्या है, मतलब दिस हैज बीन स्ट्रक डाउन इन 2015, व्हाई इज इट पॉपिंग अप अगेन, ये टॉपिक फिर से क्यों उठ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास. क्या इसके यू नो NJAC क्यों वापस लाने की बात की जाती है, बहुत सारे रीजंस हैं, उन सबको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो दीज आर द की एरियाज दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, राइट. देन अपॉइंटमेंट ऑफ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1950 से 73 तक क्या होता था, 73 तक एक कंसेंसस होता था गवर्नमेंट के बीच में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच में. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसका पार्ट हो गया, जुडिशरी का पार्ट हो गए, एंड गवर्नमेंट किसका पार्ट हो गई, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाती है गवर्नमेंट. तो देखो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बट तुम देखो कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है जजेस के अपॉइंटमेंट को, तो कंसेंसस मींस आपस में सब सहमति रखें. तो कन्वेंशन मींस अग्रीमेंट आया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा. तो उन्होंने मेरिटोरियस नहीं देखा, मेरिट नहीं देखा, सीनियोरिटी देखी. जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा जज, उसको जो है अपर हैंड होगा, उसको एज मिलेगा एंड ही विल बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 1973 में क्या हुआ, ANRAY अपॉइंट किए गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन दिस वायलेटेड द कन्वेंशन. कन्वेंशन क्या होती है, एक सॉर्ट ऑफ अ हैबिट जो नॉर्मल चलता आ रहा है, जो चीज़ हैबिचुअल होती है, जो कन्वेंशन है नॉर्मल ऑर्डिनरी क्या चलता आ रहा है कि सबसे सीनियर मोस्ट जज जो है वो अपॉइंट किया जाएगा. नाउ अब ये कन्वेंशन टूट गया, जस्टिस ANRAY ने, तीन और थे सीनियर मोस्ट जजेस, उनको सबको हटाकर जस्टिस ANRAY जो है बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है. और तीन और जजेस थे जो कि सीनियर थे उनसे. फिर 1977 में एक बार और हुआ, अनदर चीफ जस्टिस वॉज अपॉइंटेड, जिसने अपने सीनियर को सुपरसीड किया था, मींस उसको पार करके बन गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लैश हो गया कि एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है और जुडिशरी जो है इनके बीच में बहुत क्लैश हो गया कि एक तो तुम कह रहे हो सीनियर मोस्ट बन जाएगा, फिर बीच में कंसेंसस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एक सॉर्ट ऑफ ना लड़ाई सी हो गई कि भाई किसकी बात ऊपर रखी जाए, किसकी बात ऊपर ना रखी जाए. इस केस में क्या हुआ, अब एक नया सिस्टम इवॉल्व किया. तो जो क्रिटिसिज्म था एग्जिस्टिंग सिस्टम का अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज़, अच्छा ठीक है, अब करंट सिस्टम कैसा, करंट सिस्टम क्या है, कॉलिजियम सिस्टम. इफ़ आई एम नॉट एबल टू टेल यू व्हाट इज कॉलिजियम सिस्टम, तो मैं आगे तुम्हें एक्सप्लेन नहीं ठीक से कर पाऊंगी. कॉलिजियम सिस्टम क्या होता है, अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है कॉलिजियम बनाते हैं. ये कॉलिजियम से डिसाइड करते हैं किसको अपॉइंट किया जाएगा, किसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा. सीनियर मोस्ट इसीलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि जितना एजड कोई पर्सन होगा उसको इतना एक्सपीरियंस होगा, वो उतना जानता होगा लॉ को. सो क्रिटिसिज्म क्या है, आजकल कॉलिजियम सिस्टम क्यों बहुत ज़्यादा परेशानी किस बात की है, अगर कॉलिजियम सिस्टम चल रहा है, अगर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस अगर अपॉइंट कर रहे हैं, जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है और कोई तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी जज को अपॉइंटमेंट के अपॉइंटमेंट में, बट दिक्कत क्या हो रही है. क्रिटिसिज्म ये है एग्जिस्टिंग कॉलिजियम सिस्टम का कि ये जजमेंट से इवॉल्व किया गया. किसी भी कोई भी तुम बेयर एक्ट उठा लो, कोई भी स्टैट्यूट उठा लो, कोई लॉ उठा लो, कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो जजेस अपॉइंट होंगे वो कॉलिजियम सिस्टम से होंगे, बट ये प्रेसिडेंट फॉर्म हो गए. प्रेसिडेंट मींस जो जजमेंट आई और जजमेंट को हम बाइंडिंग मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, कहीं लॉ में नहीं लिखा है, बट ये जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से आए. थ्री जजेस केस का मतलब यही है कि तीन ऐसे केसेस आए जिनसे एवोल्यूशन हुआ. किसका एवोल्यूशन हुआ, कॉलिजियम सिस्टम का, जो करंट सिस्टम है. तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो है कॉलिजियम सिस्टम निकल के आ रहा है. भाई जज ही जज को अपॉइंट कर रहा है, ये बहुत बड़ा डिबेट है. क्या जज ही जज को अपॉइंट करे, अब वही बात होगी एग्जीक्यूटिव करे तो भाई एग्जीक्यूटिव क्यों आ रहा है, इंडिपेंडेंस नहीं है जुडिशरी की. अब जज ही जज को कर रहा है तो वो भी इनको प्रॉब्लम है. अब देखते हैं प्रॉब्लम है क्या. कॉलिजियम सिस्टम क्या है, कॉलिजियम सिस्टम में अपॉइंटमेंट होती है और ट्रांसफर होते हैं जज
बट ये सब होता कैसे है कलीजियम सिस्टम से, कलीजियम सिस्टम कैसे आया है, जजमेंट से आया है सुप्रीम कोर्ट के, कहीं एक्ट में नहीं है, कोई पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बना रखा है, कोई सी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कलीजियम सिस्टम, ये सब हमने इवॉल्व किया है केसेस से। अब इन तीन केसेस को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन 100% आता है इसके ऊपर। फर्स्ट जजेस केस अगर हम देखें 1981 का केस है, जो कहा था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है उसको मना किया जा सकता है, भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करे कुछ भी बोले हम तो एग्जीक्यूटिव को प्रिमिसी देंगे, एग्जीक्यूटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आओ जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आओ जजेस को अपॉइंट करो। तो फर्स्ट जजेस केस ने एग्जीक्यूटिव को प्रिमिसी दी और कहा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है ना उसको हम रिफ्यूज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम उनकी रिकमेंडेशन माने। तो फर्स्ट जजेस केस ने एग्जीक्यूटिव को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे ऊपर माना, 12 साल तक ये चला, ठीक है। फिर 1993 में एक सेकेंड जजेस केस आया, तो पहला फर्स्ट जजेस केस क्लियर हुआ। फर्स्ट जजेस केस में प्रिमिसी किसको दी गई, एग्जीक्यूटिव को दी गई, और कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिकमेंडेशन है ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट इसको हम मना कर सकते हैं, वी कैन रिफ्यूज इट, एंड एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई फॉर नेक्स्ट 12 years। मूविंग ऑन, सेकेंड जजेस केस देख लेते हैं। अच्छा फर्स्ट जजेस केस तो मैंने बता दिया, कुछ नाम भी तो होगा ना इसका, इसका फर्स्ट जजेस केस का नाम देख लेना, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया था। पूछ सकते हैं अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है, ठीक है। इसको जजेस ट्रांसफर केस भी बोलते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, फर्स्ट की बात कर रही हूँ, मैं अभी सेकंड पर नहीं आई हूँ। SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जजेस ट्रांसफर केस, और किसको प्रिमिसी दी गई, मीन सबसे ऊपर किसको रखा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव को सबसे ऊपर रखा गया, और कहा CJI की रिकमेंडेशन नॉट रिक्वायर्ड, आई मीन इफ इट्स इवन इफ ही रिकमेंड्स हम लोग बाइंडिंग नहीं है और हम लोग रिफ्यूज कर सकते हैं। आज और सेकेंड जजेस केस पे, सेकेंड जजेस केस को क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, AOR एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इसको बोला जाता है, ठीक है। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो होता है इसका एक अलग से एग्जाम होता है, उसको क्लियर करके एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं, काफी इसके क्राइटेरिया होते हैं, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। सेकेंड जजेस केस 1993 का केस था, इसमें कॉलिजियम सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, उन्होंने बोला था जो कंसल्ट कर रहे हो, कंसल्ट का मतलब होता है कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मीन्स कंसिस्टेंसी, जो आप सोच रहे हो वही हम सोच रहे हैं, दोनों के ओपिनियन सेम होने चाहिए, कि इट वॉज नॉट कि CJI की इंडिविजुअल ओपिनियन होनी चाहिए, बट एक इंस्टीट्यूशन, पूरे इंस्टीट्यूशन की ओपिनियन होनी चाहिए। कि फिर क्या हुआ, टू सीनियर मोस्ट जजेस, अभी तक टू की बात हो रही है, मैं तुम्हें फोर बता रही थी, फोर थर्ड में आया, थर्ड जजेस केस में आया, अभी तक क्या हुआ था भाई, एग्जीक्यूटिव को प्रिमिसी थी, फिर क्या हुआ भाई, पूछ सकते हैं विच केस लॉ, कौन किस केस में बोला गया था ये कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस, कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस सेकंड जजेस केस में बोला गया था, जिसका नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और बोला गया कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मतलब यही होता है दैट सेम आप लोग के व्यूज सेम है, ठीक है, सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है, साइमल्टेनियस है, मीन्स कोइंसाइड कर रहे हैं, पैरेलल व्यूज नहीं है, बिल्कुल सेम है, सिंक्रोनस है, अग्री कर रहे हैं एक दूसरे के व्यूज, ठीक है। सिर्फ मेयर कंसल्टेशन मतलब ये नहीं कि तुम एक आधे के सुन लो और अपनी अपनी चलाओ, ऐसे नहीं होगा। CJI की, इट वॉज नॉट CJI's ओपिनियन, बट पूरा इंस्टीट्यूशन का ओपिनियन चाहिए होता है, तो यहाँ भी पावर तो एग्जीक्यूटिव के पास ही है, बट उन्होंने फिर भी कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस मीन्स CJI को भी पावर दे दी, बट सिर्फ CJI को नहीं मिली, CJI प्लस टू सीनियर मोस्ट को मिली। देन अदर थर्ड जजेस केस पे, थर्ड जजेस केस एक री थी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143, वेरी इंपॉर्टेंट, जब मर्जी प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी रेफरेंस ले सकती है, कुछ भी एडवाइस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143, एंड सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशन है इफ इट वॉन्ट्स टू एडवाइस और इफ इट डजेंट वॉन्ट टू एडवाइस, प्रेसिडेंट को वो एडवाइस करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट जो है प्रेसिडेंट जो है डिमांड कर सकती है कि भाई मेरे को जो है आप एडवाइस करो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है, बहुत ही कम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देती है वैसे। सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक्सपेंडेड कोलिजियम टू अ 5-member बॉडी, इसमें कितने लोग थे, CJI प्लस टू सीनियर, तीन लोग थे, इसमें CJI प्लस फोर, कितने हो गए, 5-member बॉडी हो गई, CJI और फोर सीनियर मोस्ट कलीग्स हो गए। तो कोलिजियम सिस्टम आ तो सेकेंड जजेस केस में क्या था, बट जो प्रॉपर अभी जो फॉलो होता है वो थर्ड जजेस केस में होता है, जो 1998 का था, और जो केस भी नहीं था,
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो री था, ठीक है, और उसमें कौन कौन होंगे, सीजीआई होंगे प्लस फोर ऑफ सीनियर मोस्ट कलीग्स होंगे जो डिसाइड करेंगे। इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल बिल्कुल हटा दिया गया था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का रोल वॉज मिनिमाइज्ड, बिल्कुल जीरो कर दिया गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ सेकेंड जजेस केस में, सीजीआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस ये कंसल्ट करके एग्जीक्यूटिव को देंगे और एग्जीक्यूटिव को उससे बाइंड होना है। एग्जीक्यूटिव का रोल बिल्कुल नील कर दिया था इसमें, एग्जीक्यूटिव का रोल बिल्कुल नील हो गया था। एग्जीक्यूटिव को सिर्फ प्रिमिसी मिली थी 1981 के केस में, फर्स्ट जजेस केस में, जिसको एसपी गुप्ता केस भी बोला जाता है, जजेस ट्रांसफर केस भी बोला जाता है, ठीक है। अब कलीजियम सिस्टम को हेड कौन करता है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, उनके फादर भी सीजीआई रह चुके, वाईवी चंद्रचूड़ है उनका नाम। एंड फोर सीनियर मोस्ट जजेस जो है हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम को, पूछ सकते हैं, कलीजियम का मतलब क्या होता है, ग्रुप हो सकता है, ग्रुप कह सकते हो। एंड जजेस जो होते हैं हायर जुडिशरी के, मीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो सिर्फ कलीजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंट किए जाते हैं। एंड गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट हैज अ रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइड, गवर्नमेंट का रोल नाम डिसाइड होने के बाद उनका रोल आता है, नाम डिसाइड करने में नहीं आता, और जब नाम डिसाइड हो गया तो उसके बाद रह ही क्या गया, सब कुछ तो हो गया, ठीक है। देन अब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हेडेड बाय सीजीआई, फोर सीनियर मोस्ट जजेस, हाई कोर्ट कोलिजियम, अच्छा हाई कोर्ट कोलिजियम भी सुन लो एक बार, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बात हमने कर ली, हाई कोर्ट कोलिजियम इज लेड बाय इनकम्बेंट चीफ जस्टिस, जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वही उसे लीड कर रहा होता है। यहां पे टू अदर सीनियर मोस्ट जज होते हैं, यहां पे फोर है तो यहां पे टू अदर सीनियर मोस्ट जज होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं या रेकमेंड करते हैं नाम को या फिर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जजेस ऑफ हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलिजियम सिस्टम, एंड गवर्नमेंट का रोल सिर्फ कब तक है, जब नाम डिसाइड हो जाते हैं तब तक का रोल है गवर्नमेंट का। देन जिस्ट देख लेते हैं, जिस्ट मींस एक इंपॉर्टेंट मींस पॉइंटर्स देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट जज का, उसमें फोर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस में टू सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और ट्रांसफर जब हो रहा होता है उसमें फोर सीनियर मोस्ट भी होते हैं और टू जजेस भी होते हैं, जजेस ऑफ द टू हाई कोर्ट्स इन कंसर्न, ठीक है, अलॉन्ग विद द जजेस, अलॉन्ग विद द जजेस ऑफ टू, जैसे इस हाई कोर्ट, जैसे फॉर इंस्टेंस गुजरात हाई कोर्ट से अलाहाबाद हाई कोर्ट ले जाना है, तो इसमें ये दोनों जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस इन्वॉल्व रहते हैं और फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। दिस ट्रांसफर पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज पता होना चाहिए। देन गवर्नमेंट का रोल क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस एंटायर प्रोसेस इज लिमिटेड टू गेटिंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड। गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्वायरी कंडक्ट करती है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कंडक्ट कर रही होती है। अगर कोई लॉयर एलिवेट किया जाता है हायर जुडिशरी में, ठीक है, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई लॉयर एलिवेट किया जा रहा है, एलिवेट मीन्स वहां तक, उस पोजिशन तक लाया जा रहा है, तो एक इंक्वायरी होती है कि दैट एवरीथिंग इज फाइन विद दिस लॉयर और नॉट, ठीक है, गवर्नमेंट का रोल ये होता है। एक सेकेंड और चीजें क्लियर करनी है, फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ द टू हाई कोर्ट्स इन कंसर्न, तब होता है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज का, ठीक है, नॉट इन द नॉर्मल जजेस बट चीफ जस्टिस ऑफ द टू हाई कोर्ट्स, ठीक है। देन द गवर्नमेंट मे ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू और सीक क्लैरिफिकेशन ऑन कलीजियम्स चॉइसेस, बट इफ कलीजियम रीट्रेट्स द सेम, गवर्नमेंट इज बाउंड टू अपॉइंटमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपने इनको कैसे अपॉइंट किया है, तो क्लैरिफिकेशन दो थोड़ी सी कि कलीजियम ने बैठ के, जो ये सीजीआई प्लस चार जजेस ने बैठ के डिसीजन दिया है कि सो एंड सो पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस ने अगर अपॉइंट किया किसी पर्सन को, तो गवर्नमेंट कह सकती है कि तुमने कलीजियम बनाकर डिसाइड किया है इनका नाम, सो एंड सो नाम, तो इसका क्लैरिफिकेशन दो हमें। तो अगर कलीजियम कहती है कि क्लैरिफिकेशन दो, और अगर कोलिजियम फिर से वही नाम भेज देती है कि भाई हमें अपॉइंट ही नहीं करना है, तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट, वो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती है। कोलिजियम सिस्टम कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, किसी पार्लियामेंट में नहीं है, जजमेंट से इवॉल्व हो चुका है, बहुत बार ये बात आ गई है हमारे सामने। अब कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, वाई इज इट क्रिटिसाइज सो मच, वाई इज कोलिजियम सिस्टम क्रिटिसाइज, कि इतने क्रिटिसिज्म क्यों है, कोलिजियम सिस्टम की क्रिटिसिज्म क्या है, कि एक तो एग्जीक्यूटिव का एक्सक्लूजन हो गया,
पहले गवर्नमेंट का इंक्लूजन था नाम डिसाइड करने में, अब नहीं है. कंप्लीट एक्सक्लूजन कर दिया गया है फ्रॉम जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम वेयर अ फ्यू जजेस अपॉइंट रेस्ट इन कंप्लीट सीक्रेसी. सीक्रेसी मीन्स छुप कर अपॉइंट होता है, पता नहीं क्या बेसिस करके वो अपॉइंट करते हैं. ऑल्सो उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको कहीं जवाब नहीं देना है कि भाई तुमने रॉन्ग कैंडिडेट चूज किया है, राइट कैंडिडेट ये है वो है. तो एग्जीक्यूटिव का रोल ही चला गया. भाई जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जजेस भी इंसान ही है, तो उनके चांसेस होते हैं कि वो फेवरेटिज्म करें कि ये पर्सन बेटर है या ये बेटर है. नेपोटिज्म का चांस होता है. जो बच्चे आगे अब सीजीआई बन रहे हैं, उनके फादर भी सीजीआई रह चुके हैं, तो कह सकते हैं नेपोटिज्म है, फैमिली में कोई रह चुका है. आगे भी तुम्हें फेवरेटिज्म फेस होता है, नेपोटिज्म होता है कि जस्ट बिकॉज के फादर जज हैं या फिर कोई जस्टिस है. एक और था अभी इनके डीवाई चंद्रचूड़ जी के फादर भी रह चुके हैं, एक और अभी था उनके फादर शायद बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं. तो कहते हैं कि यार आई मीन देयर कैन बी अ केस ऑफ नेपोटिज्म. वी विल नॉट एलिमिनेट दिस चांस कि वो इतने इंटेलिजेंट इतने स्मार्ट हैं कि दे डिजर्व दैट पोजिशन, बट कह सकते हैं कि नेपोटिज्म भी कैन बी वन केस. सो कलीजियम सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि हम टेस्ट करें इस बेसिस पे आप सीजीआई बनोगे आप नहीं बनोगे, या फिर इस बेसिस पे आप जज बनोगे या नहीं बनोगे. तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत हार्मफुल है लॉ एंड ऑर्डर के रेगुलेशन के लिए. देन चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं है. क्यों? क्योंकि सिर्फ जुडिशरी इन्वॉल्व है, कई और ऑर्गन उसे चेक नहीं करे. चेक्स एंड बैलेंसेज तब आता है जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर रहा हो. जैसे जजेस जो है ऐसा लॉ शट डाउन कर सकते हैं जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो. तो पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर को भी तो चेक कर रहे हैं ना. तो ऐसे तो जुडिशरी को पर चेक करने वाला कोई नहीं है. तो चेक्स एंड बैलेंसेज वाला केस यहां नहीं होता है. जुडिशरी को बहुत सारी पावर मिल जाती है, इमेंस पावर है, चेक्स एंड बैलेंसेज का कुछ भी सीन नहीं है. देन क्लोज डोर मैकेनिज्म है. क्लोज डोर मैकेनिज्म मीन्स एक बंद कमरे में डिसीजन होता है, भाई ओपन नहीं आता है कि इसको क्यों अपॉइंट किया गया और इसको क्यों छोड़ दिया गया. अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है कि गर्ल्स जो है, वुमेन जो है अंडर रिप्रेजेंटेड है. इफ यू हैव सीन अभी तक करंटली 3 हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल है, बेला एम त्रिवेदी, मतलब ये नाम आप लोग एक बार चेक करना. दिस इज आई मीन वेरी लेस नंबर एंड मोस्टली डोमिनेटेड दिस होल आई मीन हायर जुडिशरी इज डोमिनेटेड बाय मेन. तो क्या रीजन है आज तक एक भी सीजीआई नहीं बनी है? तो ये सब चीजें है. अब आ जाओ एनजेएसी पे. एनजेएसी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनजेएसी का कॉन्सेप्ट, और एटलीस्ट फॉर अ लॉ स्टूडेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि 2014 का एक्ट था. पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तुम्हारे एग्जाम में आते हैं. एनजेएसी एक प्रपोजल आया कि हम जो कोलिजियम सिस्टम है जहाँ जजेस अपॉइंट करते हैं इनको हटा देते हैं, ये कोलिजियम सिस्टम स्ट्रक डाउन कर देते हैं, एक एनजेएसी ले आते हैं. एनजेएसी में 50% प्रमोशन है, 50% एग्जीक्यूटिव पार्ट रहेगी और 50% रहेंगे पार्ट जजेस. तो एनजेएसी का सिस्टम आया कि हम कोलिजियम सिस्टम को रिमूव करते हैं और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में एनजेएसी का डोमिनेंस रहेगा. एनजेएसी क्या है? 2014 का एक्ट है, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 का इंपॉर्टेंट, 1993 का जजमेंट. अच्छा, अब 1981 था, 1993 था, ये 1993 की बात करें. 1993 मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाला बात करें, सेकेंड जजेस केस की बात करें. सेकेंड जजेस केस में एग्जीक्यूटिव का रोल 0, CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस और कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस होना चाहिए. ठीक है, यही हुआ था सेकंड जज केस में. देन 1993 के केस में क्या हुआ था, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, डिक्लेयर्ड एनजेएसी एंड 99th अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो ये जो ये 1993 के केस के बेसिस पे एक जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और उन्होंने कहा था कि भाई एनजेएसी जो है बिल्कुल स्ट्रक डाउन कर दी जानी चाहिए एनजेएसी. तो इन्होंने इसको एक बेस बना लिया था इस वाले केस को. एनजेएसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हमारे लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है. इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया 2015 में. ठीक है, एक साल भी नहीं रुकी. एनजेएसी नेम्स रेकमेंड करती थी वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस और उनके ट्रांसफर के लिए, ये सब काम करती थी एनजेएसी. एनजेएसी में था कौन कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जुडिशरी का पार्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी का पार्ट, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का पार्ट. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हो गई है. देन टू एमिनेंट मेंबर्स होते थे जो कि सिलेक्शन कमिटी से सिलेक्ट करे जाते थे. सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे लोकसभा के, या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि अभी 2014 से लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में कोई भी नहीं है, वेकेंट है. तो
अब ये बड़ा हर चीज़ पे सवाल है. लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसको फेवर कर सकता है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है, राइटिस्ट हो सकते हैं. टू एमिनेंट मेंबर्स जो हैं, एमिनेंट मेंबर्स कहाँ से लाओगे? एमिनेंट मेंबर्स कौन सेलेक्ट, जो सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो खुद बायस तो नहीं है? उन एमिनेंट मेंबर्स की क्या सोच है, क्या है? बहुत चीज़ें से क्रिटिसाइज किया गया. NJAC अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं था? क्योंकि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है भाई, लेजिस्लेचर से मतलब पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है. एंड उनको इन सब जजेस अपॉइंट करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए. जो इन्वॉल्व हो रहा है लेजिस्लेचर इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसमें तो कल्चर ऑफ रेसिप्रोसिटी आ सकता है. रेसिप्रोसिटी का मतलब जो तुम मेरे लिए कर रहे हो मुझे भी तुम्हारे लिए करना है. बाय रेसिप्रोसिटी जस्टिस खेर ने बोला था कि जजेस को ये फीलिंग आ जाएगी कि इन्होंने मुझे अपॉइंट किया, गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया, गवर्नमेंट ने मेरा नाम रेकमेंड किया, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, अब मैं पॉलिटिकल फेवर करता हूँ, मैं उनके पार्टी के फेवर में बात करूंगा. ऐसे मन में सोच आने लग जाएगी जस्ट फॉर द कंसिडरेशन कि तुम्हें जज बनाया इन्होंने, तो तुम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को एक फेवर करने लग जाओगे. और ऐसा एनवायरमेंट बन जाएगा जिससे पॉलिटिकल कंसिडरेशन को बहुत ज़्यादा देखा जाएगा और जजेस जो है करप्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बायस हो सकते हैं. और जजेस का काम क्या है? बिल्कुल अनबायस रहना, दोनों पार्टी की बात सुनना और सही जजमेंट देना. फ्यूचर जजेस जो अपॉइंट किए जाएंगे वो इंडिपेंडेंट माइंडेड नहीं होंगे, वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे. यूनियन लॉ मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अपॉइंटमेंट. अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बायसनेस हो जाएगी. अगर यूनियन लॉ मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट आता है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट आता है, तो इंडिपेंडेंट माइंडेड नहीं रह जाएगी जुडिशरी. जज क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए. देर आर केसेस जहां पर देखा गया है देर हैज बीन सम इन्वॉल्वमेंट, काफी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है पॉलिटिकल फिगर्स, जस्ट चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी ऐसे मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं. एंड इन सच सिनेरियोज अगर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंक्लूडेड है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, तो बहुत ही क्वेश्चनेबल है. एसओई मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किसी को भी बना सकते हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं कि ये, क्योंकि यूनियन लॉ मिनिस्टर का होना NJAC में इन्होंने एक्स ऑफिशियो कर दिया कि क्योंकि आप लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हो तो आपको तो इंक्लूड किया ही जाएगा NJAC में, तो किसी को भी इंक्लूड करा सकते हैं. NJAC इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगी. बेसिक स्ट्रक्चर जो है कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जुडिशरी सोलली मीन्स एंटायरली रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए. एंड आर्बिट्री पावर अगर दी जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ लोकसभा को कि तुम एमिनेंट पर्सनैलिटीज को सेलेक्ट करो, अब क्या पता कौन एमिनेंट पर्सनैलिटीज कैसे अपॉइंट करेगा, किस बेसिस पे करेगा. सीरियस क्वेश्चन थे कि भाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ वीटो पावर, वीटो पावर मीन्स टू रिजेक्ट समवन बाय दिस एमिनेंट पर्सनैलिटीज, ऑफ वो जजेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, इज अ वेरी बिग थिंग. टू दीज टू पीपल कुड टुगेदर स्ट्राइक आउट एंड अदरवाइज कोई वैलिड अपॉइंटमेंट है, बट ये टू एमिनेंट पर्सन के ऊपर अपॉइंट किए गए, क्या पता ये उनका नाम ही हटा दे. तो बहुत सारे डाउट्स होने लग गए रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ दीज टू पीपल इन दिस केस, दे माइट बी अब्यूजिंग देयर पावर. तो काफ़ी हुआ कि इनका जो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल होगा, अगर इनको हटा दिया जाएगा, इनको हटा भी दिया जाएगा, फिर कौन से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, तो काफ़ी डाउट्स रेज होने लग गए इस केस में. ठीक है, फटाफट से रिव्यू देख लेते हैं. अब तुम्हें समझ आया कोलिजियम सिस्टम क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो तक है अगर कोई लॉयर अपॉइंट होता है, देन क्यों एंड आई मीन क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कोलिजियम सिस्टम के साथ. NJAC को क्यों स्ट्रक डाउन किया गया 2015 में किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2014 का था, NJAC एक्ट आया 2014 का, स्ट्रक डाउन कर दिया गया. साइट कौन सा केस किया गया 1993 का, जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था. तो अब समझ रहे हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया गया. बहुत ज़्यादा फिर से NJAC न्यूज़ में कि NJAC को वापस लाओ. NJAC को इसलिए वापस लाओ क्योंकि अभी पता नहीं ना क्या हो रहा है कि जजेस अभी अपॉइंट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किस बेसिस पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं. तो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी बोल रहे हैं NJAC को वापस लाओ क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सा जज को तुम कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या हो रहा है, दिस इज़ आउट ऑफ आर रीच, हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है. सो अब देख लेते हैं फटाफट से, एक रिव्यू है SP गुप्ता केस, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज 1981. उसने इक्वल इंपॉर्टेंस दी कि कंसल्ट करो, बट CJI का ओपिनियन ऊपर नहीं रहेगा. कि क्या चीज़ ऊपर रहेगी? एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर है. एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस था. इसने अबव केस को ओवररूल कर दिया और बोला CJI हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस और CJI प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं डिसाइड इसको करेंगे. देन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस आया
री आई प्रेजिडेंशियल रेफरेंस 1998 का अंडर आर्टिकल 143, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट मेड बाय द रिकमेंडेशन मेड बाय सीजेआई विदाउट फॉलोइंग कंसल्टेशन प्रोसेस बाइंडिंग नहीं होगी, उनको कंसर्न करना पड़ेगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस को, ठीक है. एक बार देख लेते हैं क्या मैंने 143 सही बताया है ना, कुछ समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज एज वेल. 143, ठीक है. देन लास्टली देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं, काफ़ी बात हुई है आर्टिकल्स की यहाँ पे. अंडर आर्टिकल 143 रेफरेंस की बात हुई है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी के बारे में भी रेफरेंस ले सकते हैं, मीन्स पूछ सकते हैं, पूछताछ करा सकते हैं कि ऐसा बताओ, अपनी ओपिनियन दो, एडवाइस दो, एडवाइसरी एडवाइस दो, ओपिनियन दो अपनी अंडर आर्टिकल 143. आर्टिकल 222 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि ट्रांसफर कर सकते हो तुम जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, सारा प्रोसीजर बताता है आर्टिकल 222. आर्टिकल 124(2) वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि हर जज जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाय वॉरेंट अंडर हिज हैंड, ओथ दिलवाएगा उनको जैसे जैसे प्रेसिडेंट को ठीक लगेगा, एंड 65 ईयर्स में जो है रिटायरमेंट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की 62 ईयर्स होती है, ठीक है. एवरी आर्टिकल टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू ऑल ऑफ अस. अब तुम जो ऐप पर मैंने पढ़ाया हुआ है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं, उनको अच्छे से याद करो, ठीक है. दैट्स इट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें यही करने थे. देन 7678134784 पर आप मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट. 7678134784 राइट, व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी क्वेरी. एंड्रॉयड यूजर्स फटाफट से डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से विनिंग लीगल नंदिनी छाबड़ा, इस ऐप को डाउनलोड कर लो. अगर आप iOS यूजर हैं, आईफोन से आपके पास, तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना फर्ली, ठीक है. लॉग इन कर लो अपने फोन नंबर के साथ. अगर लैपटॉप पे चलाना चाहते हो तो web.classplus पे जाओ, उस पर अपने फोन नंबर के साथ लॉग इन कर लो और ऑर्गेनाइजेशन कोड डालो फर्ली. यू मस्ट चेक आउट द बेस्ट कोर्सेज दैट आर अवेलेबल. DU LLB 2023 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है बेस्ड ऑन CUET PG सिलेबस पर बेस्ड है ये DU LLB 2023 का कंप्लीट कोर्स, जिसमें सारे सेक्शंस, मॉक्स, टेस्ट सब कुछ आपको इसमें मिल रहा होगा. आप लोग पढ़ सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF, टेस्ट, क्विज, मॉक्स, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस कोर्स. आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करो एंड स्टार्ट स्टडिंग, राइट. मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया है, आप लोग उस पर मेरे साथ यू कैन गेट इन टच विद मी. दिस इज द कंप्लीट कोर्स, यू कैन गो एंड अवेल दिस. फ्री कंटेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो. इफ यू आर ओनली लुकिंग फॉर लीगल कोर्स, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, टॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट, IPR ये सब पढ़ना है, लीगल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस का कोर्स आप लोग अवेल कर सकते हो. उसमें करंट लीगल GK भी मिल रही है, ठीक है. देन ये कोर्स भी अवेलेबल है, ऐप पर जाकर इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो. डाउनलोड कर लो ऐप को. DU LLB मॉक्स चाहिए आप लोगों को. अच्छा, जो ये DU LLB वाला कोर्स है, ये MHCET, SLAT इन सब बच्चों को, सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, और सब ये सबको ही केटर कर रहा होगा, MHCET, SLAT, ठीक है. देन BHU LLB सबका कोर्स इसी कोर्स में कवर हो रहा है. आप मॉक्स भी अवेल कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग 11 मॉक्स. स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स का कोर्स आप लोग ले सकते हो, फिर लुकिंग आउट. स्टैटिक GK प्रॉपरली कवर करी हुई है, मैंने खुद पढ़ा रखी है. सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ कवर है इसमें. 2022-2023 के सेशन के लिए इट्स नाउ अवेलेबल फॉर ऑल लॉ एंट्रेंसेज, ठीक है. एंड स्टैटिक GK अलग से भी अवेलेबल है, अगर आपको स्टैटिक GK का मॉड्यूल चाहिए. करंट अफेयर्स अलग से भी अवेलेबल हैं, ये बेस्ट सेलर रहा था पिछली बार, 14 लाइक्स आप लोग देख सकते हैं. देन गोकुल सर लॉजिकल रीजनिंग दे रहे होंगे, इसके डेमो वीडियोज़ अवेलेबल है, डेमो वीडियोज़ हैं, आप डेमो वीडियोज़ जाकर ऐप पर चेकआउट करो. यू विल लव द वीडियोज़, द क्वालिटी, द कंटेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग गोकुल सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स अंकुश सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है. अंकुश सर IIT JEE मेन्स वगैरह स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एंड ये लोग आप लोगों को भी पढ़ा रहे होंगे. गोकुल सर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर तो आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है. आप लोग ज़रूर जाकर चेकआउट करो, ठीक है. ये देखो मैं पढ़ा रही हूँ डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है. ये मैं कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करा रही हूँ. इंग्लिश विल बी टेकन बाय मी, इंग्लिश लीगल एंड GK मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँगी. बेस्ट कंटेंट तुम लोग को मिल रहा है. दिस इज GK, दिस इज नेग्लिजेंस मैं पढ़ा रही हूँ, मैलफीजेंस, मिसफीजेंस, नॉन फीजेंस, ये सब मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है. दैट्स इट.
अब DULB का फुल फ्लेजेड कोर्स मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सब फ्री कंटेंट है, आप जाकर जरूर चेकआउट करो. सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप लोगों को मिल रहे होंगे, प्लस मैं उनको सबको पेपर्स को डिस्कस कर रही होंगी कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले पेपर में, क्वेश्चन रिपीट होते हैं. राइट, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर ओनली फ्री कंटेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के आपको 2300 प्लस क्वेश्चंस ऐप पर मिल जाएंगे फ्री कंटेंट में. आप लोग सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट प्रीमियम स्टूडेंट तब भी आप एक्सेस कर सकते हो. ये देखो 1700 के पार्ट्स हैं और 600 क्वेश्चंस एक हैं, आप इनको डाउनलोड कर लो इस ऐप को और फ्री कंटेंट को जाकर जरूर चेकआउट करो. डेमो वीडियोज आप लोग जरूर चेकआउट करो. ठीक है, नाउ इज द राइट टाइम, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. वी एक्सपेक्ट द एग्जाम टू हैपन समवेयर अराउंड जुलाई ऑगस्ट. हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि एग्जाम सेप्टेम्बर अक्टूबर तक एनीवे जाए, और जुलाई से जुलाई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्लीस्ट. राइट, देन चैट कर सकते हो आप मेरे साथ फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लस व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, ऐप पर भी आप मेरे साथ चैट कर सकते हो. 7678134784 पे आप मुझे कॉल तो प्रेफरेबल नहीं है, व्हाट्सएप करिए. व्हाट्सएप पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो वॉइस नोट पे भी आप अपनी क्वेरी ले सकते हो. नंदिनी छाबड़ा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड करिए, क्योंकि मैं रोज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपडेट करती हूँ. यू विल लव दिट कि इतना अच्छा कंटेंट होता है कि आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे. दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करती रहती हूँ सब कुछ, और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करती हूँ. तो आप लोग इसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए. winninglegal@gmail.com पर अपनी क्वेरी कोई हो तो आप सेंड कर लीजिए. अगर आप लोग के पास कोई भी मीडियम और नहीं है तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं. All right, thank you so much everyone for joining in. Please take care. I hope you've understood this concept very well. I will see you in the next class. Bye-bye.